मैं हूं शम्स अल्लाह और आप देख रहे हो शम्स यूसी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक जबरदस्त एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं जिसके जरिए आप लोग अपने मोबाइल को आईफोन जैसा बना सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा। बहुत ही आसान है, इसके लिए आप लोगों ने सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चाहे आपका मोबाइल जिस भी कंपनी का हो, आप लोग इजिली कर सकते हो। सैमसंग हो, टेक्नो हो, ओप्पो हो, या वीवो हो, या इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, जो भी हो, आप लोग इजिली इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो। तो इसके लिए सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियो को तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के घंटी है उसे भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन बार जो है, यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन सेंटर जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आईफोन वाला जो है यहाँ पर लुक्स है, यहाँ पर बिल्कुल आईफोन लग रहा है, बिल्कुल रियल आईफोन लग रहा है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे सेटिंग्स मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दो, आप लोग वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद जब भी पहले बार आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद तीन परमिशन मांगे, तीनों परमिशन देना है। तीनों परमिशन देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको जरूर ऑन करना है। अगर आप लोगों ने ऑन नहीं किया तो यहाँ पर यह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसके बाद कंट्रोल सेंटर, यहाँ पर कौन सी यहाँ पर आप लोग कौन सी जो स्टाइल है आप लोग इसमें यूज करना चाहते हो, तो ये तीनों स्टाइल है, आप लोग जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसको जो है यूज कर सकते हो। तो मुझे ये वाला बहुत ही जबरदस्त लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल कस्टमाइज, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टॉप का मतलब है आप लोग ऊपर से इस तरह नीचे अगर आप लोग लाना चाहते हो इस नोटिफिकेशन बार को या इस कंट्रोल सेंटर को, तो आप लोगों ने टॉप वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग नीचे से लाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग बॉटम भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये वाला सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई और यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर तो यहाँ से मैं इस नोट को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पर यूट्यूब ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब ऐड हो चुका है। तो बहुत ही आसान है। तो इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। आप लोग इजीली अपने मोबाइल को एक नया लुक्स दे सकते हो, आप लोग अपने मोबाइल को और स्टाइलिश बना सकते हो। तो इसके बाद कलर है, कलर को यहाँ पर देखते हैं। अभी कलर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डार्क वाला आप लोग अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये वाला लाइट वाला बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब है यहाँ पर अभी स्क्रीन यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप लोग नीचे करते हो तो यहाँ पर पीछे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल वही स्क्रीन लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो इसके बाद अगर ब्लर है तो भी आप लोग ब्लर यहाँ पर इसको ब्लर कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। करंट वॉलपेपर है, अगर आप लोग करंट वॉलपेपर पर यहाँ पर जो मेरा मोबाइल का वॉलपेपर है अगर आप लोग उसको यहाँ पर शो करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो। स्टोर वॉलपेपर है तो यहाँ पर किसी भी वॉलपेपर को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आप लोगों ने इस दोनों को भी ज़रूर यहाँ पर मार्क लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन और कंट्रोल, इन दोनों पर भी आप लोगों ने ज़रूर मार्क लगाना है। मार्क देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर प्ले स्टोर में मैं इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को दिखाता हूँ। प्ले स्टोर को आप लोगों ने ओपन करना है। यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है कंट्रोल सेंटर iOS। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल सेंटर iOS, इसको आप लोगों ने सर्च करना है कंट्रोल सेंटर iOS 14। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो आप लोगों ने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर इस वाली एप्लीकेशन को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 मिलियन इसके डाउनलोड्स है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, बहुत ही यार मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो आप लोग इससे मज़ा उठा सकते हो, आप लोग अपने मोबाइल को एक नया लुक दे सकते हो। तो उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।